व्हाट्सअप यूट्यूब, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं अमेजन प्राइम पर रिलीज हुई आज ही के दिन मूवी सी यू सून का वो रिव्यू करूंगा और आपको बताऊंगा ये सस्पेंस ड्रामा मूवी हमें कैसी लगी। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन ऐसे ही रिव्यूज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। सी यू सून अमेजन प्राइम पर रिलीज हुई एक सस्पेंस ड्रामा मूवी है जिसके लीड रोल में फहद फासिल, रोशन मैथ्यू और दर्शना राजेंद्र देखने को मिलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है दुबई से, जहाँ पर जिमी नाम का लड़का रह रहा है। वो टिंडर पर एक अनु नाम की लड़की को खोजता है और वहाँ पर उसका मैच बन जाता है। कहानी आगे बढ़ती है और दोनों के बीच में प्यार होता है और बात शादी तक भी पहुँच जाती है। फिर सब कुछ ठीक चल ही रहा होता है कि एक दिन अचानक से अनु जिमी को कॉल करती है और कहती है कि ये मेरा लास्ट मैसेज है और आज के बाद मैं तुमसे बात नहीं कर पाऊंगी। फिर अनु का क्या होता है किसी को कुछ भी नहीं पता और जिमी भी फिर खतरे में पड़ जाता है क्योंकि उसको पुलिस पकड़ने के लिए आ जाती है। तो अनु को हुआ क्या है और वो कहाँ चली गई है, सारे सवालों के जवाबों के लिए आपको अमेजन प्राइम पर यह मूवी इंग्लिश सबटाइटल के साथ देखने को मिल जाएगी। मूवी के बारे में मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि इस मूवी की जितनी भी शूटिंग हुई है वो हमको लैपटॉप स्क्रीन और मोबाइल स्क्रीन पर देखने को मिलेगी, क्योंकि ये मूवी लॉकडाउन में शूट हुई है और मई से लेकर जुलाई के बीच में इसकी शूटिंग हुई है और इसके लिए इसका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही ज़्यादा नया है और ये चीज़ कमाल की है। मूवी के स्क्रीन प्ले की बात करूँ तो फर्स्ट हाफ की स्टार्टिंग को छोड़ के मूवी का स्क्रीन प्ले डिसेंट है और हमको अच्छा लगता है। सेकंड हाफ तक भी हमारे दिमाग में ये सवाल जरूर रहता है कि अनु का क्या हुआ है। सेकंड हाफ भी ठीक ठाक है। सिनेमेटोग्राफी की बात करूँ तो मूवी वीडियो कॉलिंग पे है तो उसके बारे में ज़्यादा बात करना बेकार होगा। मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक की बात करूँ तो अच्छा खासा है और आपको एक सस्पेंस वाला फील जरूर करा देगा। मूवी के प्लस पॉइंट की बात करूँ तो मैं डायरेक्टर और जिन्होंने भी इसमें परफॉर्मेंस दी है मैं उनकी तारीफ करना चाहूँगा, क्योंकि लॉकडाउन के बाद ऐसी मूवी को बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। सबकी वीडियो क्लिप्स को इकट्ठी करना, उसको एडिट करके प्रोड्यूस करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, इसके लिए डायरेक्टर की तो ज़रूर तारीफ होनी चाहिए। आई थिंक मैं एडिटर की भी तारीफ करना चाहूँगा जिन्होंने ये मुश्किल काम आसान तरीके से हमको अच्छी तरीके से करके दिखाया है। इस मूवी में सेकंड हाफ में आने वाला ट्विस्ट भी इस मूवी का एक प्लस पॉइंट है और ये मूवी हमको कई कई जगह साइबर क्राइम थ्रिलर मूवी का भी एहसास करा देती है। मूवी के एंड में जो कुछ भी दिखाया गया है वो ऐसा सच में होता है हमारे देश में और बहुत सारे देशों में होता है और ये मूवी का एक प्लस पॉइंट जरूर है। के नेगेटिव पॉइंट की बात करूँ तो मूवी एंड में प्रेडिक्टेबल हो जाती है और आप एक्सपेक्ट कर लोगे कि आगे कौन सा सीन आने वाला है। साथ ही में मूवी में हल्के से मुझे इमोशनल सीन्स की भी कमी लगी थी। इमोशनल सीन्स दिखाए तो गए हैं लेकिन उनको इतने अच्छे तरीके से प्रोड्यूस नहीं किया गया है। मूवी के कास्ट परफॉर्मेंस की बात करूँ तो फराद फासिल का जो फर्स्ट हाफ में परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, लेकिन सेकेंड हाफ में जिस तरीके का उन्होंने परफॉर्मेंस दिया है सेकेंड हाफ में बस वही छाए रहते हैं। रोशन मैथ्यू का काम भी फर्स्ट हाफ में बहुत ही ज़्यादा जबरदस्त है। दर्शना राजेंद्र की बात करूँ तो उनका भी काम फर्स्ट हाफ में बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। उनके इमोशनल सीन्स और जितने भी उन्होंने परफॉर्मेंस दी है वो सचमुच अच्छी खासी हमें देखने को मिलती है। एंड में बोलूँ तो सी यू सून 90 मिनट की एक वन टाइम वॉच तो जरूर मूवी है, क्योंकि जिस तरीके की पहल इस मूवी ने की है उसके लिए आपको मूवी को जरूर देखना चाहिए, लेकिन बहुत कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कर लेना वरना ये मूवी एक्सपेक्टेशन खरी नहीं उतर पाएगी। तो ये थी गाइस आज की वीडियो, कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और ऐसे ही रिव्यूज़ के लिए सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। तो मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे विदा चाहता हूँ। टाटा बाय बाय।